नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। नेताओं ने यह मान लिया है कि अगर जुबां पर आग है तो चुनाव जीता जा सकता है, भले ही इससे भाईचारे में आग लग जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक मंत्री ने गोली मारने की बात की, एक सांसद ने मस्जिदें गिराने की और एक उम्मीदवार ने कहा यह भारत पाकिस्तान का चुनाव है, तीनों बीजेपी के। चुनाव आयोग ने 30 तारीख तक जवाब मांगा था, लेकिन इसके पहले ही मंत्री और सांसद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। भारत के वित्त राज्य मंत्री का दिल्ली की जनता के सामने ये आत्मीय, आदर सूचक और उदार उद्बोधन तो सुना ही होगा आपने। बीजेपी में उनके साथियों ने बलाएं ली थी, उपकार माना था कि वित्त का मंत्री हो तो ऐसा कि भाई बजट से दो दिन पहले गालीबाजी और गोलीबाजी में जुटा हुआ है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और इनको भी सुना होगा आपने, इनका नाम है प्रवेश साहिब सिंह। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी की पताका खिलाकर संसद पहुंचे थे। केवल एक महीने का समय मुझे दे देना, मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, एक महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। ये मंत्री तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के जुगाड़ में जरूर है। और जुगाड़ की व्यवस्था में जुबान का बेलगाम हो जाना बीजेपी की सामाजिक व्यवस्था में अपराध नहीं माना जाता, आदर के योग्य माना जाता है। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आपको सुनने में खराब लग रहा होगा, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को बड़ा नाज है इन लोगों पर। कहा ठीक तो बोला, हमारे नेता ने तो बस हुंकार लगाई थी, जनता ने उसमें अपनी भावनाएं जोड़ दी। ये भारत में जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन आपस में प्रेम से रहते हैं, वहां आप इस्लामोफोबिया का डर दिखा रहे हो? ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की नफरत की भाषा फैला रहे हैं? और जब आप ऐसे फैलाओगे तो जनता फिर उसका जवाब देगी, कुछ नारों से देगी, कुछ 8 फरवरी को वोट करके देगी। बीजेपी ने चुप्पी साध ली, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया प्रवेश वर्मा को भी और अनुराग ठाकुर को भी कि आप दिल्ली के चुनाव का माहौल खराब कर रहे हैं। 30 जनवरी तक जवाब देना था, लेकिन आयोग ने इसके पहले ही दोनों के भाषणों को इतना आपत्तिजनक पाया कि जवाब से पहले ही फरमान जारी कर दिया, हम स्टार प्रचारकों की सूची से दोनों को बाहर करते हैं। चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से तत्काल बाहर करने का आदेश दिया है। मैं इलेक्शन कमीशन को अपना नोटिस आज या कल में दे दूंगा, और इलेक्शन कमीशन ने मुझे कैंपेन करने से नहीं रोका, तो मैं अपने क्षेत्र में जाके कैंपेन कर रहा हूँ। लग रहा था कि चुनाव आयोग के चाबुक से नेताजी कुछ सीखेंगे, समझेंगे कि चुनाव का मतलब आग लगाना नहीं होता, देश को आगे का रास्ता दिखाना होता है। लेकिन लगता है प्रवेश सिंह वर्मा की आत्मा में सदाचार से घृणा प्रवेश कर गई। इस बार वो केजरीवाल को लेकर जज्बाती हो गए। मैंने उनको आतंकी नहीं कहा, मैंने उनको नक्सलवादी कहा, जो वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो वो जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करता है। मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा के जज्बात तो ऐतिहासिक ही थे, वो दिल्ली के चुनाव को हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में बदल चुके थे। दिल्ली के अंदर पाकिस्तान खड़ा करके चुनाव लड़ना चाहते हो क्योंकि आपने 5 साल कोई काम नहीं किया और आपको ये नहीं पता है कि अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो हिंदुस्तान खड़ा होगा, और यही मैंने बोला है, अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। कपिल मिश्रा कहते रह गए कि हम तो भाईचारा फैला रहे थे, लेकिन आयोग नहीं माना। नतीजा, बीजेपी के 3-3 नेताओं पर अब तक चुनाव आयोग नफरत फैलाने के आरोप में कार्रवाई कर चुका है। उम्मीदवार कपिल मिश्रा के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी,
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया। सांसद प्रवेश साहिब सिंह को भी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया। एक मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी कह के संबोधित कर सकते हैं? ये इस तरह से मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं वाजपेयी, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। विपक्ष का इल्जाम है यह सारा खेल इसलिए कि दिल्ली के चुनावी दंगल को जनता के असल मुद्दों से हटाकर हिंदू मुसलमान में बदला जा सके। मारना है मारो, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं, मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। चुनाव में बदजुबानियों का इतिहास कोई नया नहीं है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में नफरत की जुबान अपने चरम पर है। लेकिन ये यहीं रुक जाए तब भी जनतंत्र की हवाओं में घुटन का एहसास कुछ कम हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। अगर जुबान पर आग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आग शाहीन बाग के नाम पर लगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में उन्हें देशद्रोही सिद्ध करने की होड़ लगी है। इस बीच शाहीन बाग के लोग आज अपने प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर पहुंचे। हमारी संवाददाता अंजना हमारी साथी खुद शाहीन बाग भी पहुंची और एक टीम हमारी जंतर मंतर भी गई। आप भी देखिए सुनिए उन आरोपों पर कैसे सोचता है शाहीन बाग अंजना के साथ। चाहे शाहीन बाग को आने वाला सभी रास्ता फिलहाल बंद हो, लेकिन कहा जा रहा है दिल्ली में अब रास्ता शाहीन बाग से होकर ही आगे का निकलता है। एक तरफ वो पॉलिटिक्स जो तमाम पार्टियां करती हुई दिख रही हैं और दूसरी तरफ सीएए एनआरसी का वो प्रोटेस्ट जो आज 47वें दिन भी शाहीन बाग में जारी है। इसी की कवरेज को करने के लिए आज हम शाहीन बाग में पहुंचे और यहां पर तमाम महिलाओं से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है, क्या है उनका नजरिया। 47वें दिन भी अगर देश में राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग में ये विरोध प्रदर्शन जारी है तो आगे क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या इनकी सोच है। तरह तरह के लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं जो सब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। आज से 1.5 महीने पहले दिल्ली की एक गुमनाम बस्ती के बाशिंदों ने फुटपाथ पर एक तंबू तान दिया था। उस तंबू को बसेरा बना लिया था और औरतें चीख रही थीं, हम नागरिकता कानून के खिलाफ हैं। ठिठुरती हुई सर्दियों की 47 रातें गुजर गईं, लेकिन वो आवाजें शांत नहीं थी। इसका जो उन्होंने अपनी जबान से कहा है सीएए निकाला है, फिर एनआरसी निकाल लेंगे, फिर एनपीआर निकाल लेंगे, हमारे संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं तैयार। हम अमित शाह जी की बात जो हमने पार्लियामेंट में सुनी है हम उसकी बात करेंगे, हमने जो कहीं और गली कूचे पे सुनी उसकी बात पे हम यकीन नहीं करेंगे। हम जो पार्लियामेंट में बात हुई है, अगर हमारे पीएम पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दें कि एनआरसी और एनपीआर नहीं होगा, हम वापस चले जाएंगे। औरतें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, संविधान का पाठ, हवन, कीर्तन, शबद, गुरबानी, प्रार्थना, भारत माता, वंदे मातरम, नारे, गीत और जय घोष। शाहीन बाग फुटपाथ पर बैठे बैठे फैलने लगा था। मंत्रियों ने जैसे किरण रिजिजू ने 8 बार इस बात को दोहराया है कि देश में एनपीआर लागू होगा और एनआरसी लागू होगा, तो अगर वो अब मना कर रहे हैं तो वो एक संवैधानिक तरीके से एक संदेश दें राष्ट्र के नाम कि जो फैसला हमने लिया था अब हम उस फैसले को वापस ले रहे हैं, सीएए और एनआरसी को हम वापस ले रहे हैं, तब हम यहां से हट जाएंगे। पिछले 47 दिन से रात की सोती हुई पहरों में जागती हुई आंखों का नाम है शाहीन बाग। हुकूमत से सुने जाने का फरमान है शाहीन बाग। लाखों लोगों की धड़कनों का अरमान है शाहीन बाग। देखिए सरकार अपने स्टैंड पर अडिग है। सरकार का कहना है कि हम सीए तो वापस लेंगे नहीं और पीएम एनआरसी पे कह रहे हैं कि एनआरसी पर हमने फैसला लिया नहीं है, तो आप लोग क्यों इसको स्वीकारने को तैयार नहीं, क्या चाहते? एनआरसी का वो ऐलान कर देना, ऐलान कर दे कि एनआरसी हम लाएंगे ही नहीं, देंगे वो भी एथेंटिक लेवल पर।
अपने दोनों हाउसेस से जिस तरीके से मोदी जी ने बिल पास किया था उसी तरीके अमित शाह जी उसी तरीके से अनाउंसमेंट करें हमारी सेटिस्फाई के लिए और पूरा देश इसको सुने, वो भी ऑथेंटिक लेवल पर राइटिंग में, या तो अपना डेलीगेशन भेजकर हमें सेटिस्फाई यहाँ करें। मोदी के मंत्री, बीजेपी के नेता और अपने आप को राष्ट्रवादी बताने वाले लोग इन लोगों को देशद्रोही बताते हैं, गद्दार कहते हैं, देश का दुश्मन बताते हैं और इन्हें कुचलने की बातें करते हैं। आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले हैं कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। मैं नफरत की छुपी आग हूँ, मैं नफरत की छुपी आग हूँ, मैं शाहीन बाग हूँ, मैं शाहीन बाग हूँ। चुनाव में अचानक से सामने आई इन कामनाओं के बरक्स दुनिया की निगाहें हैं। यूरोपीय यूनियन नागरिकता कानून पर विचार के लिए प्रस्ताव रखने जा रहा है। चार राज्यों की अपनी ही सरकारें प्रस्ताव पास कर चुकी हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कुछ नहीं सुनना। जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया। हो सकता है मामला संविधान पीठ को सौंप दिया जाए, मतलब फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। तो क्या शाहीन बाग हताश है? लोग कहते हैं नहीं। शाहीन बाग पहली बार जंतर मंतर पहुंचा। शाहीन बाग की औरतें, शाहीन बाग की दादियां, शाहीन बाग की लड़कियां। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर के जमावड़े को नाम दिया जनाक्रोश रैली। इसमें दिल्ली के तमाम शाहीन बागों से लोग पहुंचे, गीत गाए, नारे लगाए, तर्क रखे और अपनी तमन्नाओं को आवाज दी। शाहीन बाग प्रतिरोध का नाम बनते बनते सियासत की धुरी बन चुका है। दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग को बीजेपी ने इस्तेमाल का एक ऐसा मुद्दा बना दिया है जिसमें वो हिंदू और मुसलमान के बीच एक सीधी लकीर खींचने की गुंजाइश खोज रही है। शाम होते होते जंतर मंतर पर बसा शाहीन बाग उजड़ने लगा। प्रतिरोध की बस्ती अपने पुराने टीले पर आबाद होने लगी। वही आवाजें, वही पुकार, वही हुंकार। कहते हैं कि हम बाहर से आदमी को ला देंगे और मुसलमान सबको बाहर भेजेंगे। हम 9 पुस का नाम उनको देखा दिया था, बगैर हिंदुस्तानी में रहते हुए। तो ठीक है, सीए में ये नहीं है, नागरिकता देने का कानून है कि जो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जिनका धार्मिक उत्पीड़न होता है उनको लाने का कानून है, ये भारत के मुस्लिमों के लिए नहीं है। सुनिए, वो ला दे, उनके लाने के लिए हम लोग को कोई एतराज नहीं है, मगर हमारा नाम भी सुने। सीए को वापस ले ले, हमें लिख के दे दे लिखित रूम में, लिख के दे दे कि एनआरसी नहीं लाएंगे तो आप लोग ना लाओ। सीए को भी लिख के दे, हमें लिख के दे, वापस ले ले हमारे से। हमारे घर में कुछ कम मुद्दे हैं जो लोगों को अब ला के आप यहाँ रखेंगी, क्या खिलाएंगी, क्या पिलाएंगी, क्या पढ़ाएंगी, बताइए। और दूसरी ये क्या 500-500 रुपये में, आपको लगता है कि 500-500 रुपये में लोग हैं? बिल्कुल, ये आरोप है और ये तौहीन है हमारी औरतों की, महिलाओं की तौहीन है, जो हमारे पर ये लोग कह रहे हैं कि लोग आवारा बदमाश औरतें हैं। नागरिकता कानून पर शाहीन बागों की आवाज़ों का क्या होने जा रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाहीन बाग क्या दिल्ली के चुनाव को बदल देगा? आजमाइश कड़ी है, लेकिन अंजाम दिल्ली की आवाम को तय करना है। आज तक ब्यूरो। अब राग हो तो किसी माचिस की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ नेता इस आग को उदारता मानकर चलते हैं। अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नागरिकता कानून के खिलाफ रात दिन जारी प्रदर्शनों में बैठे लोग बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं और मर क्यों नहीं रहे हैं। यह सवाल दिलीप घोष ने इसलिए पूछा है कि नोटबंदी के दौरान एटीएम की लाइनों में खड़े लोगों की मौत हो गई थी। आमी अबाक हो जाच्छी, साधारण भावे ओई समय लाइन दाड़िए 2-3 घंटा लोग मरे जाच्छिलो आर दिनेर पर दिन शाहीन बागे 4-5 डिग्री टेम्परेचर मध्ये बसे आछेन बच्चा निये महिला क्यों मरछे ना। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जुबान खोलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रिसर्च निकालते हैं कि जनता चमत्कृत हो जाती है। बहुत दिनों से बंगाल में कुछ हो नहीं रहा, उनकी पार्टी के सारे नेता दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं, शाहीन बाग पर हिंदू मुसलमान जारी है, तो दिलीप बाबू को भी लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए और उन्होंने जो किया तो फिर किया। अबाक हो जाच्छी, साधारण भावे ओई समय लाइन दाड़िए 2-3 घंटा लोग मरे जाच्छिलो
আর দিনের পর দিন শাহিনবাগে 4 ডিগ্রি 5 ডিগ্রি টেম্পারেচার মধ্যে বসে আছেন বাচ্চা নিয়ে মহিলারা, কেউ মরছে না। दिलीप घोष की सबसे बड़ी चिंता को समझिए, प्रदर्शन करने वाले बीमार क्यों नहीं पड़ रहे, और पड़ भी रहे होंगे तो उनके रजिस्टर में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रहे। मतलब अगर शाहीन बाग में बैठे लोगों को, घंटा घर में बैठे लोगों को, रोशन बाग शांति बाग में बैठे लोगों को छींक आ जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए, तो याद से बंगाल वाले भाई दिलीप घोष को अवश्य सूचित करें, वरना वो मानेंगे नहीं कि कोई बीमार पड़ा है। की उम्र तो खींच ले ना। चिंता को समझिए, पहले तो दिलीप घोष की परेशानी ये थी कि लोग बीमार क्यों नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर लगा कि इतना काफी नहीं, तो उन्होंने अपनी चिंताओं का विस्तार मौत तक कर दिया। और इसका आधार भी तो सुनिए। जखन डीमोनेटाइजेशन हलो, लोग दाड़िए लाइने निजे टाका तुलछिलेन, মমতা ব্যানার্জি রাস্তায় নেমে বলেছিলেন আপনারা নিজের টাকা নিজে তুলছেন, লাইনে দাঁড়িয়ে কেন? চলিয়ে পহলি বার বিজেপি সে কিসি নে মানা কি নোটবন্দি কে দৌরান লোক লাইন মে খড়ে খড়ে মর গয়ে থে। যখন ডিমোনেটাইজেশন হলো, লোক দাঁড়িয়ে লাইনে নিজের টাকা তুলছিলেন, মমতা ব্যানার্জি রাস্তায় নেমে বলেছিলেন আপনারা নিজের টাকা নিজে তুলছেন, লাইনে দাঁড়িয়ে কেন? अभी तक तो कोई मानता ही नहीं था नोटबंदी के दौरान हुई मौतों को, लेकिन दिलीप घोष परेशान है कि जब नोटबंदी में मर गए थे तो सीए के खिलाफ प्रदर्शन में क्यों नहीं मर रहे। তারপর উনি বললেন যে লোক মারা যাচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে, দুজন তিনজন পাঁচজন দশজন একশো জন মরে গেল, কোথায় কে মরলো আমরা জানি না, কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সাধারণভাবে ওই সময় লাইনে দাঁড়িয়ে দু তিন ঘন্টায় লোক মরে যাচ্ছিল, আর দিনের পর দিন শাহিনবাগে 4 ডিগ্রি 5 ডিগ্রি টেম্পারেচারের মধ্যে বসে আছেন বাচ্চা নিয়ে মহিলারা, কেউ মরছে না, কি অমৃত খেয়েছেন এরা? ऐसी उदार भावनाओं को ही हृदय की विशालता कहते हैं, कि प्रदर्शन के दायरे का असली सर्टिफिकेट है कितने लोग बीमार पड़े, और बीमार पड़े तो पड़े दिलीप घोष को बताएं, कितने लोग मरे और मरे तो मरे दिलीप घोष को बताएं। इससे ज्यादा अशोभनीय, असंवेदनशील, घृणा और नफरत की जुबान हो नहीं सकती। क्या इस तरह का बायोडेटा, इस तरह की जुबान बोलने वालों का बायोडेटा ही भाजपा में सीढ़ियां ऊपर चढ़ाता है? यह चाल चरित्र और चेहरा। दुनिया में एक से एक सज्जन लोग हुए हैं, लेकिन बंगाल बीजेपी वाले दिलीप घोष जैसे बिरले ही होते हैं। वो प्रदर्शन में बीमारी और मौत न होने से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। इन दिनों वो इस बात को लेकर दुखी है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में बैठी औरतें और बच्चे क्यों नहीं मर रहे। उनके इस दया भाव पर दिल लुटाने वाले दहल गए। आज तक आग केवल सड़कों पर नहीं लगती, विधानसभा में भी लगती है, लेकिन उसका अंदाज कुछ अलग होता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नागरिकता कानून के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो रबर स्टैंप के वाले राज्यपाल नहीं हैं। परिणाम, जब आरिफ मोहम्मद विधानसभा के सत्र में अभिभाषण पढ़ने के लिए पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। विधायक नारे लगा रहे थे, उन्हें पढ़ना पड़ा कि नागरिकता कानून देश के खिलाफ है। ये किसी सड़क का चौराहा नहीं है, केरल की विधानसभा है जहां 94% साक्षरता दर है। और ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, जनता के चुने हुए विधायक हैं। और उनके खामोश होने का इंतजार कर रहे सज्जन सूबे के महामहिम राज्यपाल हैं, नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ऐसा आपने न सुना होगा न देखा होगा कि राज्यपाल सरकार का लिखा भाषण पढ़ने में हिचकिचा रहे हो और विपक्ष उनके खिलाफ नारे लगा रहा हो, वापस जाओ वापस जाओ। किस्सा कुछ यूं है कि महामहिम आरिफ मोहम्मद खान वामपंथी गठबंधन के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और विधानसभा अध्यक्ष पी रामकृष्णन के निमंत्रण पर संबोधन के लिए पहुंचे थे। संबोधन ये था कि हम सभी विधायक नागरिकता कानून को देश के खिलाफ मानते हैं, सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। और नागरिकता कानून पर महामहिम खान साफ कह चुके हैं कि इसका विरोध फजूल है। फिर क्या था,
जैसे ही वो विधानसभा पहुंचे नारेबाजी शुरू हो गई। जब 10 मिनट तक हंगामा शांत नहीं हुआ तो मार्शलों ने विपक्षी विधायकों को हटाया और राज्यपाल के लिए आसन तक रास्ता बनाया। I am going to read this para because Honorable Chief Minister wants me to read this, although I hold the view. महामहिम की जुबान लड़खड़ा रही थी। एक तरफ उनकी सियासी सोच थी और दूसरी तरफ संवैधानिक मजबूरी। नागरिकता कानून के खिलाफ पूरी विधानसभा की भावनाओं का दस्तावेजी भाषण उनके सामने पढ़े जाने का इंतजार कर रहा था। Although I hold the view that this does not come under the definition of policy or program, the Honorable Chief Minister himself has said in his letter that this is the view of the government. To honor his wish, I disagree, but to honor his wish, I am going to read this paper. Bahumanya Speaker, Bahumanya Mukhyamantri, Bahumanya Mantri Bare. कलेजे पर पत्थर रखकर आरिफ मोहम्मद खान ने पूरा भाषण पढ़ा कि नागरिकता कानून देश के धर्म निरपेक्षता के लिए खतरा है। पढ़ा कि नागरिकता कानून एक राष्ट्र के तौर पर भारत के विचार पर आघात है। पढ़ा कि केरल की पूरी विधानसभा नागरिकता कानून के खिलाफ है और केंद्र सरकार इस पर विचार करे। दिस ऑगस्ट बॉडी यूनेनिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एब्रोगेट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। महामहिम खान खुलेआम कह चुके हैं कि वह रस्मी राज्यपाल नहीं है और उन्हें केंद्र का कानून और राष्ट्रपति के फैसले को लागू करने के लिए राजभवन भेजा गया है। महामहिम खान ने अतीत में चाहे जो कहा, लेकिन सच ये है कि उन्हें सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ना पड़ा, मेरी सरकार करना पड़ा और वो इसके लिए बाध्य थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि राज्यपाल आरएसएस के इशारे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस वामपंथी सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं चूकती, लेकिन महामहिम आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दोनों के सुर एक हैं। आज तक दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।